क्या कल के वीकेंड का वार में बहुत सारी हिंट्स छुपी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। बाकी आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरा यूजर नेम है RJAnkur_IG। तो भाई कल हमने देखा कि सलमान भाई एक शब्द कहते हुए नजर आए, पूरा सेंटेंस कहते हुए नजर आए राहुल वैद्य से कि अगर तुम फिनाले में पहुंच जाते हो तो ये अनफेयर होगा रुबीना, अभिनव और बाकी इन जैसे कंटेस्टेंट्स के लिए, क्योंकि तुम जो भी मसला था वो बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। इस पर राहुल वैद्य भी थोड़ा सा स्तब्ध रह गया, थोड़ा सा इमोशनल था। फिर उसके बाद अगर आपने नोटिस किया हो कि विकास गुप्ता जो है बाद में जब कंसोल कर रहे थे उस वक्त कुछ बातें कहते हुए नजर आए, और विकास गुप्ता अक्सर कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म में। विकास ने कहा कि तू चिंता मत कर, ये शो तुझे मौका देगा अपनी बात प्रूव करने का, यहीं इसी शो पे तुझे मौका मिलेगा और तू जीतेगा, तू जीत के निकलेगा, इस तरीके से विकास गुप्ता कहते नजर आए। और वहीं सलमान भाई ये कहते नजर आए कि अगर तुम फिनाले में पहुंचे तो ये बाकियों के लिए अनफेयर होगा। तो क्या सीन पलटेगा के नाम पर राहुल वैद्य को विनर बना दिया जाएगा? क्या ये कोई हिंट था कि भाई सीन पलटेगा और राहुल वैद्य बिग बॉस का विनर होगा? क्योंकि भाई अभी तक तो जिस तरीके से शो चल रहा है, अभी तक तो राहुल वैद्य को टारगेट ही किया जा रहा है, लोग तो उम्मीद ही छोड़ चुके हैं जिस तरीके से भाई बात कर रहे हैं कि राहुल वैद्य तो जीतेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ तो थीम ही है सीन पलटेगा। तो क्या कहीं राहुल वैद्य जीत तो नहीं जाएगा? ये एक हिंट तो नहीं थी जिस तरीके से विकास गुप्ता भी बात करता हुआ नजर आया और सलमान भाई का माहौल बनाना? आपको क्या लगता है आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।